गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज प्रकृति ने अपनी अलग ही छटा बिखेरी है। पौधों के लिए जिस धूप की आवश्यकता थी वो आज आ गई है। इतनी ठंड में मनुष्य एवं पौधों तथा पशुओं को सबको धूप की आवश्यकता होती है। धूप से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और तेज़ हो जाता है। पौधों में हम कितना भी पानी फर्टिलाइज़र डाल दें, उनकी कितनी भी केयर करें, लेकिन प्रकृति की तरफ से जो इनको मिलता है वो हम नहीं दे सकते। आज ये पौधे भी बहुत खुश हैं। इनको मैंने पानी से भी धोया है, नहलाया है, इनको पानी भी दिया है तथा इनकी छटा ही देखते बनती है। आज इनकी छटा ही निराली है। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। धूप आने से एक आधे दिन में इन सब पर कलियां आ जाएंगी एवं फूल भी आ जाएंगे। इस पौधे की देखिए कलियां बननी शुरू हो गई हैं और दो चार दिन में ये फूल भी देने लगेगा, जबकि यहाँ पर एक फूल इसका निकल आया है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी एवं मनुष्य सबको प्रकृति का बहुत धन्यवाद देना चाहिए। जिस सृष्टि का भगवान ने जन्म दिया है, उसका जन्म दिया है, जिस सृष्टि को जन्म दिया है उसका हमें भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण का भी प्लांट्स पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन आज ये पौधे बहुत खुश हैं और अपना धन्यवाद प्रकृति को दे रहे हैं एवं इनकी अपनी अलग ही छटा दिख रही है। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।